तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल, मैं हूँ आपके साथ। मैं एक बात करें मध्य प्रदेश के मौसम के हाल की, तो मध्य प्रदेश में मानसून का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में आकर मानसून शिथिल पड़ गया है और इसके बाद एमपी में इंतजार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में मानसून 2 से 3 दिनों के में दस्तक देगा और पहले से ये था कि 18 जून तक प्रदेश में मानसून आ जाएगा। मानसून विज्ञान केंद्र भोपाल के अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ये 48 घंटे के बाद कभी भी आ सकता है। वहीं प्री मानसून गतिविधियों की वजह से कई जगहों पर तापमान में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उमस काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश पर एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा पक्ष में काम कर रही है और इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक सर्कुलेशन है और इसकी वजह से राज्य में गरज के साथ बौछारें और बारिश जारी रहेगी। वहीं बारिश के कारण भोपाल समेत कई जिलों में उमस बढ़ गई है। उमस के कारण लोगों के पसीने छूट रहे हैं। गुरुवार को भोपाल में शाम को बादल छाए रहेंगे, इसी के साथ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी और दिन में 40 और रात में 27 डिग्री तापमान रहने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और इसमें उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और सिवनी सहित राज्य के अन्य हिस्से शामिल है। तो ये था आपका अपडेट लगातार हर छोटी से बड़ी खबर के लिए। बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।